वो दीप कहाँ गया जो कभी हार नहीं मानता था? What's so good about it? अमित साध एक फौजी का बखूबी रोल निभाया जिसमें उनकी तैयारी और लगन साफ दिखाई देती है। एक फौजी का रोल अदा करना हमेशा से ही बहुत डिफिकल्ट होता है, ऊपर से अगर आप एक रियल हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं तो फिक्शन एंड रियलिटी का बैलेंस बनाना बेहद मुश्किल काम हो जाता है। यहाँ अमित साध का जवाब नहीं है, अवरोध जो उनकी पिछली सीरीज थी उसमें भी उन्होंने एक फौजी का रोल अदा किया था और इस बारी तो उन्होंने बॉल सीधा स्टेडियम के पार ही पहुंचा दी है। इतनी शिद्दत से और इतनी ईमानदारी से अपना रोल निभाया है कि आप यकीन कर लेंगे कि ये असली में आर्मी के सोल्जर हैं। स्पेशल टास्क फोर्स का हिस्सा बनना आसान नहीं है और यही दिखाया भी है। असली में दौड़ना, असली में वो सारी ट्रेनिंग्स करते हुए दिखाना, वो डिफ़िकल्ट टास्क जो आपको इम्पॉसिबल लगते हैं वो भी अमित साध ने किए हैं। यही बनाता है अमित साध को आज के सबसे बेस्ट एक्टर्स में से एक। सुशांत सिंह सपोर्टिंग रोल में उनकी प्रेजेंस एकदम धाकड़ है और आप सच में उन्हें एक आर्मी का सख्त सीनियर ऑफिसर मान लेंगे। ज़्यादा लंबा रोल नहीं है, शुरू का और अंत का मिला लें तो छोटे छोटे अपीरेंसी सामने आती हैं। ऐसी ज़बरदस्त अदाकारी करेंगे कि लगेगा जैसे एक्टिंग से पहले ये फौज में ही थे। उनका रुख एकदम कड़क ऑफिसर का है जिसे सिर्फ अंत के एपिसोड में ही थोड़ा सा नरम और स्वीट सा दिखाया है और यही है एक बेहतर एक्टर की ताकत। एक बेहतरीन एक्टर को लंबा चौड़ा रोल नहीं मगर दमदार रोल चाहिए और सुशांत सिंह ने इस रोल में सबसे बढ़िया काम करके हमारा मनोरंजन खूब किया है। क्लाइमैक्स इतनी इंस्पायरिंग एंडिंग, स्पेशली लास्ट के 3 एपिसोड्स तो आपको हिला के रख देंगे और आपको पॉजिटिविटी से भर देंगे। मेरे हिसाब से कहानी में असली दम दिखता है 5th एपिसोड से, जहां अमित साध कारगिल की जंग में घायल हो जाते हैं और व्हील चेयर पर आ जाते हैं। ये सब शो के ट्रेलर में भी दिखाया है, कैसे कैसे वो डिप्रेशन में जाते हैं, अपने आप से नफरत और अपनों से दूरी बना लेते हैं और कैसे उनकी बेटर हाफ जिनका रोल अमृता पुरी ने निभाया है उनकी हर संभव मदद करती है। फिर से एंट्री होती है सुशांत की और कैसे वो अमित को हिम्मत दिलाते हैं और आगे बढ़ाते हैं, जैसे वो अमित को रगड़ते हैं ताकि वो अपनी खोई हुई हिम्मत और जोश वापस पा सकें, ये देख आप गदगद हो जाएंगे। लास्ट एपिसोड में जब फाइनली रिकवर करते हैं वो सब आप में इतना जोश भर देगा कि आप खड़े होकर सल्यूट मारेंगे। रियल हीरोज, रियल लाइफ हीरो जिन पर ये सीरीज बेस्ड है, उनका हर एपिसोड के अंत में आना यूनिक एंड मोटिवेटिंग लगता है और यही इस शो को और मनोरंजन बना देता है। उनकी बेटर हाफ भी दिखती हैं और दोनों अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाते हैं। मैंने शायद ही ऐसा किसी हिंदी वेब सीरीज में देखा है और इस बात से इस शो में और मजा आता है। What's not so good about it? पेस, रफ्तार, शुरू का एपिसोड और फिर 5, 6 और 7वां एपिसोड में ही पकड़ बनती है मगर काफी धीमी रफ्तार से। बीच बीच में बार बार कहानी पटरी पे तो रहती है मगर रुकी सी लगती है और आप सोचने लगते हैं कि इतनी बढ़िया पेस को सिर्फ खामखा खींचने के चक्कर में बोरिंग बना दिया। लास्ट के 3 एपिसोड्स जहां असली कहानी सामने आती है वहां भी अमित साध की सिविलियन और कॉर्पोरेट लाइफ बोरिंग लगती है जिसमें कुछ भी मज़ेदार और इंगेजिंग नहीं है। रिमेनिंग कास्ट स्पेशली जो जो आर्मी के गेटअप में है वो सब ढीले और अनकन्विंसिंग लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे शो के मेकर्स का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अमित साध पे ही था, तो नतीजा ये हुआ कि बाकी का शो दमदार नहीं लगता, वो जान नहीं लगती। जिस तरह के फौजी गेटअप औरों के दिखते हैं आपको लगेगा कि नहीं कि फौजी हैं। साथ ही शायद ही कोई पंची डायलॉग्स आपको मिलेंगे जिसे आप शो के ख़त्म होने के बाद याद रखेंगे, ऐसा है शो में नहीं है। अगर आप अमित और सुशांत को निकाल दें तो सीरीज का कैनवास बेहद छोटा और फीका हो जाता है। इन दी एंड एक बेहद इंस्पायरिंग आर्मी सागा जिसमें अमित साध और सुशांत सिंह की जबरदस्त एक्टिंग आपका दिल जीत लेगी। सो प्लीज गो अहेड एंड वॉच इट राइट नाउ फॉर देम। जिद थी मेरी कि दोबारा चलूंगा, जिद है, नेवर गिव अप।
ये वीडियो और इसमें लगी कोशिश और मेहनत अगर पसंद आई है देन प्लीज सब्सक्राइब टू मैडेवू मूवीज राइट नाउ एंड एंजॉय कूलेस्ट रिव्यूज YouTube पे. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. हैप्पी एंडिंग्स.